इस वक्त मेरे सामने माहनामा फनजाद सरगोधा का शुमारा अप्रैल 2019 है। इस शुमारे में मोहम्मद आमिर सुहेल का एक मजमून अफसांचा निगारी की हुदूद व इम्तियाजात मेरे मुताले में है। मुसन्निफ ने इतनी बारीक बीनी से तज़िया किया है कि दिल झूम झूम उठा। आप भी मुलाहिजा करें। वो लिखते हैं, तहकीक साबित है कि मंटो उर्दू का पहला अफसांचा निगार है। हम मंटू की अफसांचा निगारी से राह मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं। मंटो का अफसांचा करामत मुलाहिजा करें। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लूटा हुआ माल रात के अंधेरे में बाहर फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से इलाहदा कर दिया ताकि कानूनी गिरफ्त से बचे रहें। एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उसके पास शक्कर की दो बोरियां थीं जो इसने पंसारी की दुकान से लूटी थीं। एक तो वो जोतों रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी उठाकर उसमें डालने लगा तो खुद भी साथ चला गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं। दो जवान नीचे उतरे और उस आदमी को बाहर निकाल लिया, लेकिन चंद घंटों के बाद वो मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए उस कुएं में से पानी निकाला तो वो मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जलने लगे थे। इस अफसांचे में 10-11 जुमले हैं और 160 अल्फाज हैं। अफसांचा अपने अंदर भरपूर अफसानवियत रखता है। इसकी गिरह आखिरी जुमले पर आकर खुलती है। पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक तजस्सुस बरकरार रहता है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर सोहेल का मज़मून तवील है, बहस जारी है। बकिया नुकात अगली वीडियो में। मैं एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि अफसांचे का ये कुलिया ही दुरुस्त है, यही फार्मूला है, और हर नए लिखने वाले को इन नुक्तों पर गौर ज़रूर करना चाहिए। अब हम चलते हैं इस बार की मेहमान मोहतरमा सदफ आसिफ के अफसांचों की तरफ। सदफ आसिफ एक मजहूई राइटर, ख्वातीन के पटलों में छाई हुई हैं। अफसांचे भी खूब लिखती हैं। उनका ताज़ा अफसांचा सुने। उन्वान है मकाफाते अमल। नुसरत ब्याह कर आई तो उसे ये 3 कमरों वाला मकान बहुत बड़ा लगा था। यूं भी उस मकान के मकीन ही कितने थे, सास ससुर मियां रेहान और दीवर फरहान। गुजरते वक्त के साथ मकान छोटा पड़ने लगा। फरहान की शादी हुई तो उसकी वर्किंग वुमेन बीवी ने महीना गुजरते ना गुजरते जॉइंट फैमिली सिस्टम से आज़ादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फरहान ने बीवी के कहने में आकर ऊपर एक पोर्शन की तामीर शुरू करा दी। माँ को खुशी थी कि वो कहीं और नहीं जा रहा, ऊपर ही तो मुंतकिल हो रहा है। लेकिन
जब उन्होंने देखा कि सीढ़ी अकबी तरफ बनाई जा रही है तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि रास्ता भी अलग हो रहा है। उस दिन वो नुसरत के गले लगकर खूब रोई थी कि सुबह शाम आते जाते शक्ल देख लेती थी, अब वो भी ख़त्म। वक्त तेज़ी से गुज़रा, एक के बाद एक चार बच्चे हुए। चारों में से कोई कभी कभार ही दादी के पास आता। मज़ीद वक्त गुज़रा, फरहान ने बड़े बेटे की शादी की। अभी महीना में नहीं गुज़रा था कि ऊपर से रोने की आवाज़ आती सुनकर नुसरत भागी भागी अकबी गली में गई तो देखा फरहान सर झुकाए एक तरफ खड़ा है, ट्रक में नई बहू का सामान ला जा रहा है। नुसरत ने फरहान की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उसने सर झुकाकर कहा, बहू को जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं, वो अलग हो रही है। सदफ आसिफ का एक और सांचा सुनते हैं, उन्वान है कुर्बानी। पहली बार उनके यहाँ गाय की कुर्बानी होने जा रही थी। नसीमा बेगम के तो गोया पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। हर साल वो पूरी गाय की कुर्बानी की नियत करती मगर आखिर में कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल आता कि उन्हें मस्जिद में हिस्सा डालना पड़ता। बच्चे भी दिल महसूस करके मासूमियत से कहते कि ये क्या, जब तक जानवर दरवाजे पे ना बांधा जाए बकरीद का मज़ा ही नहीं आता। नसीमा ने बच्चों की खुशी के लिए कुर्बानी के नाम पर बहुत पहले से एक कमेटी डाल रखी थी। अब दरवाज़े पर इतना तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत जानवर देखकर खुशी से बेहाल हुए जा रही थी। कसाईयों के पहले दिन के रेट सुनकर उसने दूसरे दिन कुर्बानी का फ़ैसला किया। बकरीद वाले दिन सुबह से जो दरवाज़ा बजना शुरू हुआ कि नसीमा हैरान रह गई। ज़िंदगी में महल्ले के इतने सारे घरों से उनके यहाँ गोश्त नहीं आया था जितना इस बार आया। महल्ले के इतने सारे घरों से उनके यहाँ गोश्त नहीं आया होगा जितना इस बार आया। वो हैरान हैरान सी सबका शुक्रिया अदा करती जा रही थी। रात को उन्होंने जब हैरानगी से शौहर को ये बात बताई तो वो दुखी लहजे में बोले कि इस बार ये गोश्त हमारी गाय की वजह से आया है, लोगों को वापसी की उम्मीद जो है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, इस बार कुर्बानी का गोश्त हम महल्ले वालों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुस्तहकीन में बांटेंगे। अब सदफ आसिफ का एक और अफसांचा सुनते हैं, उन्वान है हसद। जब से पड़ोसन ने सोने का ये बड़ा सा लाकेट ख़रीदा था मानो नफीसा के दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। अब उसे भी सोने का वैसे ही लाकेट चाहिए था ताकि वो पास पड़ोस वालों को दिखा दिखा कर जला सके। रोज़ रोज़ की चिकचिक से घबरा कर अख्तर अली ने एक दिन बीवी के लिए लाकेट ख़रीदने का फैसला कर ही लिया और सुनार के पास जा पहुँचा। मगर सोने के भाव तो जैसे आसमान से बातें कर रहे थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दिल में आया कि घर लौट जाए लेकिन याद आया बीवी ने चलते वक्त कह दिया था कि बग़ैर लाकेट लिए घर आए तो तेज छड़क कर आग लगा लूँगी। मरता क्या न करता, कुछ चीज़ें बेची
बाकी जमा पूंजी से सोने का लॉकेट खरीदा और खुशी खुशी घर की राह ली। दरवाजे पे लोगों का रश देखकर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ तो बेटे को पलंग पर जख्मी हालत में लेटे पाया। महल्ले वालियों के दरमियान बीवी बेटे के सिरहाने बैठी बैन करते हुए उसी को गैर जिम्मेदार ठहरा रही थी। अख्तर को अंदर आते देख चील की तरह वो झपटी और पूछा, इतनी कालें की फोन क्यों बन जा रहा था? अख्तर ने सर्द लहजे में बताया कि मोबाइल बेच दिया। बीवी ने बेध्यान में उसकी बात छीन ली और कहा, जल्दी से जेब में पैसे रख लो, बेटे को बड़ी अस्पताल लेकर जाना है। अख्तर ने गायब दिमागों से बीवी की बात सुनी और बेइख्तियार जेब में हाथ डाला, टटोला, मगर जेब खाली थी। अख्तर ने दूसरे हाथ में थामा डब्बा बीवी को थमाते हुए सरसराते लहजे में कहा, ये लॉकेट गले में लगा दो या फिर इससे बेटे का इलाज करा लो, और फूट फूट कर रो दिया। आसिफ का एक और अफसांचा सुनते हैं, उन्वान है नियत। वो इम्तिहान देकर जलती धूप में सेंटर से बाहर निकला तो सामने उसे एक फकीर बच्चे के साथ उसका रास्ता रोकते हुए आवाज लगाई, बेटा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, चाचा बहुत गरीब है, दुआएं देगा, इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। बच्चे को देखकर उसका दिल पसीज गया, पेपर भी ख़राब हुआ था, इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये सौदा महंगा नहीं लगा। उसने जेब टटोली और 50 रुपये का इकलौता नोट जो सुबह माँ ने निकलते हुए कुछ खाने पीने के लिए थमाया था वो फ़कीर को दे दिया। फ़कीर दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। वो थोड़ी दूर चला होगा कि प्यास से गला खुश्क होता महसूस हुआ। कुछ सोचकर कोने में मौजूद जूस कॉर्नर की तरफ बढ़ा, मगर जेब में सिर्फ बस का किराया बचा था, इसलिए सब्र के घोंट पीते हुए टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी उंडेला और पीते हुए आसपास का जायज़ा लिया। उसकी आंखें हैरत से उस वक्त खुल गईं जब उसने फ़कीर बाबा को मज़े से हाथ में ठंडा यक जूस थामे घोंट घोंट पीते हुए बच्चे से ये कहते सुना कि बड़ी गर्मी है, पैदल जाया नहीं जाएगा, बस बेटा जरा अपना फटफटिया रुको, अपनी हालत पर लम्हे भर को उदास हुआ, मगर ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि अल्लाह नियतों का हाल जानता है। चल बेटा जरा अपना फट फट रिस्का तो पकड़, अपनी हालत पर लम्हे भर को दिल उदास हुआ, मगर ये सोचकर उसने दिल को तसल्ली दे दी, अल्लाह नियतों को जानता है। सदफ आसिफ का एक और अफसांचा सुनते हैं, उन्वान है कोरोना। वो थकी हारी बहुत सारा सामान उठाए घर में दाखिल हुई तो मुलाजमा ने दौड़कर उसके हाथ से सामान के थैले पकड़े, पानी का गिलास एक ही सांस में ख़त्म करने के बाद बोली, भाई मंगलू अब तुमसे काम
भाई मंजूरा, अब से तुम काम पर नहीं आना, कोरोना ने तबाही फैला दी है। वैसे भी तुम जिस बस्ती में रहती हो वहाँ तो लोग टेस्ट भी नहीं करवाते, अल्लाह जाने कौन कौन अफेक्टेड हो, इसलिए घर पर रहकर अपने बच्चों का ख्याल करो। मंजूरा का शौहर, जो रेड़ी लगाता था, पहले ही कई महीनों से घर पर पड़ा था, अब सात बंदों का पेट वो कैसे भरेगी। मंजूरा की तो जैसे किसी ने रूह खींच ली थी। काम ख़त्म करने के बाद अपनी मैली चुनरी से आँख पोछते हुए उसने जाने की इजाज़त तलब की। डोंट वरी, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें काम पर वापस बुलवा लूँगी, वो बोलती हुई अंदर कमरे में चली गई। तसल्ली भरे अल्फाज भी इन हालात में मंजूरा के लिए काफ़ी थे। वो दरवाजे तक पहुंची थी जब मालकन ने पुकारा, अरे भाई ये तुम्हारे किचन का सामान लाई हूँ। मैं शौफर की तरफ इशारा किया और मज़ीद बोली, हाँ कुछ पैसे भी रख लो, मुश्किल दिन है, काम आएंगे। सफूरा को तो जैसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। वो चौंक कर मुड़ी तो मालकन का मुस्कराता चेहरा सामने आया। उसके कंधे पे हाथ रख कर वो नरमी से बोली, कोरोना की वबा से निपटने के लिए हमें एक दूसरे का ख्याल पहले से ज़्यादा रखना होगा।